हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रियाना ग्रुप डी सीईटी से जुड़ी न्यूज है। ग्रुप डी की परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही होगा जारी, आयोग ने एनटीए को भेज दिया डिटेल। जी हाँ दोस्तों, कल की आपकी ये न्यूज़ है। जो एचएसएस यानी हरियाणा कमीशन जो है, जो दोस्तों आयोग है, उसने जो है ना वेरीफिकेशन करके 5 अंकों की जो वेरीफिकेशन है वो पीपीई के आधार पर कर जो डिटेल है कि 5 नंबर किन किन को मिलेंगे, वे एनटीए को दोस्तों डिटेल भेज दी है। अब एनटीए फुल रिजल्ट निकालेगा आपका 100 नंबर में से, वो एचएसएससी को देगा और एचएसएससी फिर रिजल्ट जो है जारी करेगा। ट्रांसफर ड्राइव के पदों की जानकारी मिलने पर होगा जारी। दोस्तों, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी भी चल रही है, यानी कि जो दो पहले 2018 ग्रुप डी से लगे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र ड्राइव जो पोर्टल वो खुला हुआ है, उनकी ट्रांसफ़र जो होने के बाद फिर विभागों से पता चलेगा। देखिएगा, 13,536 पदों की ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया इसी माह पूरी होगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी डिटेल एनटीए को भेज दी है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का पता लगाया जा रहा है कि कहाँ किस तरह की या कितने पद खाली हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र जो पॉलिसी वह चल रही है और युवा अपने मनपसंद के पदों का चयन कर सकेंगे। इस आधार पर मेरिट में आए युवा इन पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी और इसमें सामाजिक आर्थिक आधार के अंक जो मिलने हैं वे भी इसमें शामिल रहेंगे। ग्रुप डी की परीक्षा लगभग दोस्तों 8 लाख से अधिक युवाओं ने दी हैं और आयोग द्वारा ग्रुप सी भर्ती की प्रक्रिया इससे पहले शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक जो कोर्ट में मामला चल रहा है जिस कारण दोस्तों आपकी ग्रुप सी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो पहले ही ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित करने की जो है सोच रहे हैं। 2018 वाले कॉमन कैडर की जो आने वाले जो ग्रुप डी में हैं लगे हुए हैं दोस्तों, उनकी स्थानांतरण पॉलिसी जो है चली हुई है, उसमें जो गृह जिलों से दूर नौकरियां कर रहे हैं कई कई किलोमीटर या कई कई जिलों से दूसरे ज़िले में, तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिए जाने की जो है ना अभी प्रेफरेंस भरी दी गई है, यानी कि उनको अब नज़दीकी जो है ना ड्यूटियाँ दी जाएंगी। तो ये ट्रांसफ़र ड्राइव पॉलिसी जो चली हुई है, इसके बाद पता लगेगा कि किन डिपार्टमेंटों में कितने पोस्ट और कितने पदों पर खाली है, उस हिसाब से फिर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और डिपार्टमेंटों की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।